आपको एक बोल लेना है और उसमें टेयर फंक्शन करके उसको ज़ीरो पे कर देना है। उसके बाद अपनी कॉफ़ी बीन्स डालनी है उसमें। मैं 50 ग्राम लेने वाला हूँ ताकि थोड़ी सी अभी और थोड़ी सी बाद में मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है। इससे होता क्या है कि आप ब्लेड ग्राइंडर में जब इसको ग्राइंड करोगे तो स्टैटिक उतना नहीं बनेगा, आपकी पाउडर जो है वो ग्राइंड में चिपकेगा नहीं। उसके बाद हमें ब्लेड ग्राइंडर या कोई सा भी बर ग्राइंडर आपको लेना है, अपने कॉफ़ी बीन्स उसमें डाल देना है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट ग्राइंडिंग। मैं ग्राइंडिंग मैं लगातार नहीं करता, मैं पल्स ग्राइंडिंग करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूँगा 5 से 6 सेकेंड, उसके बाद थोड़ा सा अपने ग्राइंडर को शेक करूँगा एंड उसके बाद दोबारा से ग्राइंड करूँगा। तो ओवरऑल आपका जो ग्राइंडिंग टाइम है वो 40 सेकेंड्स होना चाहिए फॉर एस्प्रेसो मशीन, जिससे फाइन ग्राइंड बन के आएगा इस कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी को एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूंगा एंड थोड़ा अच्छे से टैप करके कॉफ़ी निकाल दूंगा इसमें से। अब बारी है पक प्रेप की, तो आपको अपना पोटा फिल्टर निकालना है, फिल्टर बास्केट को थोड़ा सा टैप करके उसमें अच्छे से लॉक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत ही जेंटली जो पाउडर है वो इसमें डालना है और धीरे धीरे टैप करना है। सॉरी मैं उसका वीडियो निकालना भूल गया। ओके, अब मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन टूल है, इसको WDT टूल भी बोलते हैं। इससे मैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके बाद आराम से इसको जेंटली टैम्प करना है, ज़्यादा ज़ोर से टैम्प नहीं करना है, सिर्फ उतना जितना आपको रेजिस्टेंस फील हो जाए। उसके बाद एस्प्रेसो मशीन को आपको ऑन कर देना है, लेट इट रीच द कॉफ़ी टेम्परेचर। एक बार वो टेम्परेचर पहुंच जाए थोड़ा सा पानी आपको निकाल देना है। उससे होता क्या है कि जो इसका ग्रुप हेड है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इससे आपकी कॉफ़ी और अच्छी बनेगी, सो इट्स अ गुड हैबिट। उसके बाद एक कपड़े से थोड़ा सा इसको ड्राई कर देना है एंड अब आपको अपना पोटा फिल्टर जो है वो अच्छे से लॉक इन कर देना है। ध्यान रखना है कि वो अच्छे से लॉक्ड इन हो, नहीं तो लीक हो सकता है। सो मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ। नाउ पुट योर कप एंड प्रेस द कॉफ़ी बटन। सो ये एक अच्छा साइन है कि कॉफ़ी निकलने में कम से कम इसको 8 से 10 सेकेंड लग रहा है, जिसका मतलब है कि जो कॉफ़ी का एक्सट्रैक्शन है वो अच्छा हो रहा है। नाउ वी नीड टू वेट। मैं अपना एक्सट्रैक्शन टाइम इसमें लगभग 25 से 30 सेकेंड का ही रखता हूँ। थोड़ा सा कप जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, सो मैंने इसको वापस से अपनी जगह पे रख दिया, बिकॉज मशीन जो है वो वाइब्रेट करती है, इसलिए वो कप जो है अपनी जगह से हिल गया। ओके, एंड अब मैं इस मशीन को यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फोम बना है, इसको मैं क्रेमा नहीं बोलूँगा, इट्स अ फोम। एंड ये झाग इतना सारा इसलिए निकलता है क्योंकि ये फ्रेशली बीन्स कॉफ़ी है, तो इसमें बहुत सारा CO2 होता है जो कि फोम के फॉर्म में निकलता है। अब बारी आती है मिल्क फ्रॉथ करने की। सबसे पहले मैं स्टीम बटन दबाता हूँ एंड वो स्टीम बटन से क्या होगा कि वो अपने डिज़ायर्ड स्टीम टेम्परेचर पर पहले पहुँचेगा। ओके, एक बार स्टीम पे पहुंच जाए आपको जो है नॉब घुमा के थोड़ा सा इसमें से पानी निकाल देना है, क्योंकि सबसे पहले इसमें से पानी निकलता है, तो थोड़ा पानी निकाल देना है 5-6 सेकंड के लिए, फिर स्टीम को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अपना पिचर लेके आना है, मेक श्योर कि आपके पिचर में चिल्ड मिल्क हो या फिर कोल्ड मिल्क हो, रूम टेम्परेचर या फिर गर्म दूध इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रॉपर फोम नहीं बनेगा। ओके, अब वीडियो की वजह से मैं थोड़ा सा गलत एंगल पर पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, बट जो सही एंगल है वो ये है, जो उसका पिचर का जो नॉब है ना वो स्टीम वॉन्ड के एंगल के साथ मैच करना चाहिए एंड अपने पिचर को थोड़ा सा टिल्ट करना है। इससे होगा क्या कि इस एंगल पर रखने से धीरे धीरे क्या होगा, जब प्रेशर बनेगा स्टीम से तो आपका जो मिल्क है ना वो एक वर्लपूल की तरह घूमना शुरू कर देगा एंड वही आपको चाहिए। यू डोंट वॉन्ट कि वो सिर्फ स्टीम वॉन्ड से जो है हवा उसमें घुसा रहा है और उबल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल्क में एक वर्लपूल बनना चाहिए, उसका अगर वीडियो मेरे पास होगा मैं यहाँ पे कहीं डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। उससे क्या होगा कि मिल्क सिल्की स्मूथ बनेगा बिल्कुल, राइट? और हमें वही चाहिए। अब आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी फोम भी बन चुका है, कैपेचिनो में फोम चाहिए होता है। मैं यहाँ पे नॉब को जो है वो ऑफ कर दूंगा। अब आपको जो है इमीडिएटली थोड़ा सा स्टीम निकालते हुए आपको जो इसका जो आउटर कवर है इसको साफ़ कर देना है तुरंत, नहीं तो मिल्क वहाँ पे जम जाता है। एक चीज़ मैंने और नहीं दिखाया, वीडियो गलती से ऑन नहीं हो पाया, इस कवर को निकाल के जो इसके अंदर का पार्ट होता है, जो एक्चुअल स्टीम वॉन्ड होता है, उसको भी आपको इमिडिएटली क्लीन करना है, नहीं तो उसमें दूध जो है वो जम जाता है।
ऑलराइट, सो मशीन ऑफ करने के बाद या फिर स्टीम बटन ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें स्टीम जो है वो जाने देता हूँ, उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो कम हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा एस्प्रेसो शॉट रेडी है जिसमें अपना मिल्क डालेंगे। एंड मुझे लहटेहट नहीं आता है, मैंने अभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, एक बार मैं अपना एस्प्रेसो शॉट को मास्टर कर लूँ उसके बाद मैं लहटेहट पे ट्राई करूँगा। तो अभी मैं सिर्फ जस्ट एज अ प्रैक्टिस, जस्ट फॉर मसल मेमोरी मैं घुमा घुमा के मिल्क डालता हूँ, क्योंकि लहटेहट में ऐसे ही डालना होता है। तो थोड़ा सा आप देखोगे कि दूध मैंने किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया एंड अब मेरे पास फोम बचा है जो कैपुचिनो में ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपना लहटेहट पैन से थोड़ा सा ऐसे ही स्वर्ल कर दूंगा जिससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड नाउ योर कैपुचिनो इज़ रेडी। एंड मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हो। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, प्री ग्राउंड कॉफ़ी वर्सेस फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी, आई लव द फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी, उसमें बहुत ही अच्छा अरोमा था एंड बहुत ही अच्छा एक्सट्रैक्शन हुआ है।